कल का जो हमारा लेक्चर था वो मॉडिफायर्स के हवाले से था। हम इसको आज दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, मॉडिफायर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट कॉमन मॉडिफायर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मॉडिफायर, सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉडिफायर होता क्या है। मॉडिफायर इज टू डिजिट इंडिकेटर दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्टैंडर्ड सीपीटी हैज बीन मॉडिफाइड इन द सेम वे। मैंने आपको कल भी बताया था डिटेल में कि मॉडिफायर बेसिकली दो डिजिट्स का होता है और ये इंडिकेट करता है कि किसी भी सीपीटीज को स्पेशल या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में किस तरह से मॉडिफाई किया गया है, किस तरह से उसको चेंज किया गया है। मॉडिफायर इंडिकेट्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन ए सर्विस परफॉर्म्ड, यानी कोई भी सर्विस डॉक्टर पेशेंट को दे रहा है, कोई भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, तो उस पे मॉडिफायर लगाने का मकसद ये होता है कि डॉक्टर को इंफॉर्मेशन दी जाए, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी उस सर्विस के रिलेटेड है। मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट सर्विसेज ठीक दैट आर इन एडिशन टू द सर्विसेज डिस्क्राइब्ड फॉर द सीपीटी और हिपिक कोड्स। ये सेम वही चीज है कि कोई भी सर्विस डॉक्टर परफॉर्म करता है तो वो कम्युनिकेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के साथ या उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन सर्विसेज को मॉडिफायर्स यूज करता है। मॉडिफायर्स प्रोवाइड द मींस बाय व्हिच रिपोर्टिंग प्रोवाइडर कैन इंडिकेट द सर्विस और प्रोसीजर हैज बीन ऑल्टर्ड बाय द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस बट हैज नॉट चेंज इन द इन इट्स डेफिनेशन और कोड। मॉडिफायर्स आर यूज्ड विद द सीपीटी कोड्स एंड हिपिक कोड्स when a service requires more definition or explanation. Depending on the circumstances, an office may use more than one modifier with the procedure code. When more than one modifier is used, placement of modifiers is critical for reimbursement purposes. The modifier that affects the pricing should be placed in the primary position. कोई भी circumstances हो सकते हैं, special circumstances, उस केस में इंश्योरेंस को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सर्कमस्टांसिस थे या ये कंडीशन थी पेशेंट की जिसकी वजह से मैंने इस सर्विस को किस तरह से परफॉर्म किया है, प्रोवाइडर जो है वो मॉडिफायर्स यूज करेगा। अब मॉडिफायर्स के दो लेवल्स हैं, एक लेवल वन मॉडिफायर्स होते हैं और दूसरा लेवल टू मॉडिफायर्स होते हैं। लेवल वन मॉडिफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिजिट्स के ऊपर न्यूमेरिक्स होते हैं, जैसे 24 मॉडिफायर है, 25 है, 59। और जो लेवल टू मॉडिफायर्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, जैसे QW है, GW है, इस तरह के जो मॉडिफायर्स हैं वो इनको लेवल टू मॉडिफायर्स कहते हैं। उसके बाद मॉडिफायर की कैटेगरीज हैं, प्राइसिंग मॉडिफायर्स होते हैं और इंफॉर्मेशनल मॉडिफायर्स होते हैं। प्राइसिंग मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रीजनेबल चार्ज और फी फॉर द सर्विस। दीज मॉडिफायर्स इंपैक्ट ऑन द पेमेंट ऑफ सीपीटी कोड्स, फॉर एग्जांपल TC एंड 26। प्राइसिंग मॉडिफायर्स ऐसे मॉडिफायर्स होते हैं जो क्लेम्स की पेमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, यानी आप जब ये मॉडिफायर्स अप्लाई करेंगे किसी भी क्लेम के ऊपर तो उसकी पेमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर TC का मॉडिफायर लगाएंगे तो पेमेंट अलग से आएगी, डिफरेंट पेमेंट होगी, 26 लगाएंगे तो डिफरेंट पेमेंट होगी। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मॉडिफायर्स होते हैं वो सिर्फ इंश्योरेंस को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, बट डोंट डायरेक्टली इफेक्ट द पेमेंट। दीज आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस एंड कैन इफेक्ट द प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल 24, 25, 59, 76। तो ये जो मॉडिफायर्स होते हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए होते हैं, इनका पेमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे कॉमन मॉडिफायर यूज होता है बिलिंग के अंदर वो है 25 मॉडिफायर। 25 modifier is significant separately identifiable valuation and management service by the same physician on the day of procedure. Modifier 25 is used to describe separate, distinctly identifiable services from other services or procedures rendered during the same visit. The modifier is used on E&M services only. ये चीज़ जो है वो याद रखने की है इसमें, कि ये जो modifier है ये सिर्फ ENM कोड्स के ऊपर यूज होता है। ENM कोड्स मैंने आपको बताए थे ऑफिस सर्विसेज के लिए जो यूज होते हैं 99201 से 99205 तक, ये न्यू पेशेंट्स के लिए, और 99211 से 99215 तक ये एस्टेब्लिश्ड पेशेंट्स के लिए।
या फिर 99381 से 99385 तक और 99391 से 99398 तक, ये जो सीपीटी कोड्स होते हैं उनको हम ईएनएम कोड्स कहते हैं। तो जब प्रोवाइडर किसी पेशेंट को सर्विसेज देता है, ईएनएम सर्विसेज देता है, वेरिएशन एंड मैनेजमेंट कोड अप्लाई करता है और उसके साथ वो कोई और सर्विस भी देता है पेशेंट को, तो दूसरी सर्विस को इससे अलग करने के लिए 25 modifications होते हैं। जैसे इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 99212, ये ईएनएम कोड है, इसके साथ देखें 25 modifier लगा हुआ है, और 99382907077 ये इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन है, ये उसका कोड है, और ये जो है वो प्रिवेंटिव केयर का कोड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिस विजिट के साथ यानी ईएनएम कोड के साथ उसने 25 का मॉडिफायर लगाया हुआ है। तो जब भी प्रोवाइडर जो है वो इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज परफॉर्म करेगा और उसके साथ कोई एडिशनल सर्विस परफॉर्म करेगा, तो इसको सेपरेटली रीइंबर्स करवाने के लिए यानी अलग से पेमेंट करवाने के लिए इसकी 25 का मॉडिफायर यूज करेगा। 25 मॉडिफायर आपने कब यूज नहीं करना? ऑन द सर्जिकल कोड्स ऑन द सर्विसेज दैट रिजल्टेड इन द डिसीजन टू परफॉर्म सर्जरी, यानी कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म हुई है या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसके कोड जो हैं, या इन कोड्स के अलावा जो कोड्स हैं उनके साथ आपने 25 का मॉडिफायर यूज नहीं करना। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं सर, क्लियर है। ओके, उसके बाद मॉडिफायर 59 है, ये भी डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 25 इस्तेमाल होता है, लेकिन 59 और 25 में डिफरेंस ये है कि ये ईएनएम कोड्स के साथ यूज नहीं होता। 25 जो है वो सिर्फ ईएनएम कोड्स के साथ यूज होता है, और 59 जो है वो ईएनएम कोड्स के अलावा अगर कोई सर्विसेज हैं, कोई सीपीटी कोड्स हैं, तो उनके साथ यूज होगा। मॉडिफायर 59 इज यूज व्हेन प्रोवाइडर वांट्स टू इंडिकेट दैट प्रोसीजर सर्विस वाज डिस्टिंक्ट और सेपरेट फ्रॉम अदर सर्विसेज परफॉर्मड ऑन द सेम डे, सो इट इज यूज्ड टू क्लियरली डेजिग्नेट व्हेन डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट मल्टीपल प्रोसीजर्स आर प्रोवाइडेड द प्रोसीजर मस्ट नॉट बी कंपोनेंट ऑफ अनदर प्रोसीजर। तो जब भी कोई सर्विस अलग से परफॉर्म करेगा प्रोवाइडर, तो दोनों सर्विसेज को अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए वो 59 का मॉडिफायर यूज करेगा। ये मॉडिफायर आपने कब यूज नहीं करना? ईएनएम कोड्स के साथ नहीं यूज करना, और तमाम प्रोसीजर कोड यानी अगर एक क्लेम के ऊपर 3 से 4 प्रोसीजर कोड्स लगे हुए तो ये एक कोड के साथ ही क्लेम आप बिल कर सकते हैं, 2 या 3 प्रोसीजर कोड्स के साथ सेम क्लेम के ऊपर आप इसको बिल नहीं कर सकते। उसके बाद 24 मॉडिफायर है, 24 मॉडिफायर ये भी डिस्टिंक्ट सर्विसेज के लिए होता है, बट इसमें और 25 में फर्क ये है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या ग्लोबल पीरियड के दौरान इस्तेमाल होता है। Unrelated evaluation and management services by the same physician during a post-operative period. तो post-operative period क्या होता है? After surgery or a surgical operation, post-operative complications or post-operative care. Post-operative period basically a global period क्या होता है? 90 days का usually ये period होता है, जो जब किसी patient की कोई surgery या कोई operation, major surgery perform होती है, तो उसके बाद से 90 days तक या उससे कम भी हो सकता है ये पीरियड होता है। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट की कोई सर्जरी परफॉर्म होती है तो यूजुअली इंश्योरेंसेस जो है वो उस सर्जरी की पेमेंट कर देती हैं, उन सर्जरी की जो पेमेंट करती है वो इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए वो 90 डेज तक जितनी भी उसकी चीज़ें हो रही होती हैं सारी एक ही पेमेंट में कवर कर देती हैं। तो उसके बाद उस पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको सर्जरी के अनरिलेटेड कोई सर्विस परफॉर्म करता है, यानी उस सर्विस का सर्जरी से कोई ताल्लुक ना हो, तो उस केस में हम सर्विसेज को सेपरेटली रीइंबर्स करवाने के लिए इंश्योरेंस को ये बताने के लिए कि ये जो इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज दी गई है पेशेंट को, इनका सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है 24 का मॉडिफायर यूज होगा। नॉर्मली इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज आर डिनाइड इफ बिल्ड विद इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, बाई यूजिंग दिस मॉडिफायर provider indicates the separate unrelated services performed during the global period of the surgical procedure. The physician may need to indicate that an ENM service was performed during post-operative period
was a reason unrelated to the original procedure. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि फर्ज करें एक पेशेंट की सर्जरी होती है, उसकी कोई इंजरी वगैरह हुई थी, उसको मेजर इंजरी हुई थी, फर्ज करें उसकी टांग पे कोई इंजरी थी, उसकी सर्जरी हो गई, तो उसके बाद उसका जो ग्लोबल पीरियड होगा वो होगा 90 डेज का या उससे कम भी हो सकता है. तो उस पीरियड के दौरान अगर पेशेंट दोबारा से उस डॉक्टर के पास जाता है और इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लेता है, लेकिन वो सर्जरी से रिलेटेड नहीं होंगी. अगर करें पेशेंट को फीवर है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, तो डॉक्टर जब उसको वो सर्विसेज देगा तो इंश्योरेंस को ये बताने के लिए कि पेशेंट का जो मैंने चेकअप किया इसका उसकी सर्जरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो 24 का मॉडिफायर यूज करे. यहाँ तक क्लियर है जी? Yes, sir. का मॉडिफायर बिल्कुल सेम है जैसे 24 का मॉडिफायर है, लेकिन ये ENM कोड्स के अलावा जितने भी कोड्स हैं उनके साथ यूज होगा. 24 का मॉडिफायर सिर्फ ENM कोड्स के साथ यूज होगा, और 79 का जो मॉडिफायर है ये अदर देन ENM कोड्स यूज होगा. जैसे 25 और 59 मॉडिफायर्स हैं, 25 जो है वो सिर्फ ENM कोड्स के साथ यूज होता है और 59 जो है वो अदर देन ENM के साथ यूज होता है. बिल्कुल ऐसे ही 79 जो है वो अदर देन ENM सर्विसेज के साथ यूज होगा और 24 जो है वो ENM सर्विसेज के साथ यूज होगा ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. बाकी सिनेरियो सेम है. उसके बाद है जी TC एंड 26 मॉडिफायर. TC कहते हैं जी टेक्निकल कंपोनेंट को. सर्टेन प्रोसीजर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स व्हेन ओनली द टेक्निकल कंपोनेंट इज रिपोर्टेड द सर्विस इज आइडेंटिफाइड बाय एडिंग TC टू द प्रोसीजर कोड. मॉडिफाइड 26 ये प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए यूज होता है. सर्टेन प्रोसीजर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फिजिशियन कंपोनेंट. When the physician component is reported separately, the service may be identified by adding the 26 modifier to the usual procedure code. इसकी मैं आपको सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ. जो TC modifier है वो technical component के साथ use होगा, जो 26 modifier है वो 26 वो professional component के साथ use होगा. अब फर्ज कर लेते हैं कि एक patient ने patient को कोई चोट आई थी, उसको कोई injury हुई थी और उसने उसका X-ray करवाया. एक्सरे करवाने के बाद जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो अगर डॉक्टर सिर्फ उसका एक्सरे देखता है, देखने के बाद वो उसको ट्रीटमेंट करता है, तो इट मींस के डॉक्टर ने सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज दी है, उसको टेक्निकल सर्विसेज नहीं दी. तो इस केस में वो 26 का मॉडिफायर यूज करेगा. लेकिन अगर डॉक्टर जो है वो या जो एक्सरे परफॉर्म करेगा, सिर्फ अगर एक्सरे परफॉर्म करता है या पेशेंट का कोई और टेस्ट परफॉर्म करता है, तो उस केस में इसको बिल करने के लिए वो TC का मॉडिफायर यूज करेगा. अगर दोनों कंपोनेंट परफॉर्म किए हैं डॉक्टर ने, तो वो TC और 26 को यूज नहीं करेगा, बल्कि विदाउट मॉडिफायर जो है वो अपनी सर्विसेज को बिल करेगा और उसे इंश्योरेंस को क्लियर हो जाएगा कि इसने दोनों कंपोनेंट परफॉर्म किए. तो मॉडिफायर इसके अलावा 2W का मॉडिफायर है, वो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो क्लिया वेव टेस्ट के लिए यूज किया जाता है. 2W का मॉडिफायर क्लिया वेव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए क्लिया सर्टिफिकेट क्लिया नंबर की जरूरत नहीं होती. और क्लिया नंबर मैंने आपको बताया था कि ये क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट एंड अमेंडमेंट यानी CMS जो है ये इशू करता है लेबोरेटरीज को US के अंदर. जितनी भी लेबोरेटरीज टेस्ट परफॉर्म कर रही होती है उनको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले जरूरी होता है कि वो क्लिया नंबर CMS से ले. क्लिया का मकसद ये है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है उसको मेंटेन किया जाए स्टैंडर्ड्स को हाई करने के लिए, ताकि लैब जो है वो किसी भी किस्म की टेस्ट में से किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई मिस्टेक ना हो या किसी भी किस्म का कोई एरर ना हो. तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए जो है वो क्लिया नंबर असाइन किया जाता है लेबॉरटरीज को. तो जितने भी टेस्ट ऐसे हैं जो माइनर टेस्ट होते हैं जिनके लिए क्लिया की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए डॉक्टर्स को जो है वो क्लिया वेवर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. तो जब भी कोई टेस्ट डॉक्टर ऐसा परफॉर्म करेगा जिसके लिए क्लिया नंबर की जरूरत नहीं है बल्कि वो क्लिया वेव टेस्ट है, तो फिर उसको सर्विस को इंश्योरेंस को बिल करने के लिए वो QW का मॉडिफायर यूज करेगा. तो ये कुछ बेसिक मॉडिफायर्स थे जो जिनका डेली बेसिस पे आपसे वास्ता पड़ सकता है. 25 मॉडिफायर, 59, उसके बाद 24, 79, TC, 26, QW. तो इनके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं.
एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी सर, हेलो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अभी भी कट रही है सर, आवाज आपकी कट रही है यार। ये क्या इश्यू है पता नहीं, नेट भी ठीक है यहाँ पे, कनेक्शन ठीक है। तो जो मॉडिफाइड मैंने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ आई है? आवाज आ रही थी मेरी? नहीं, लास्ट टाइम जो आपने किया वो उसकी समझ नहीं। यस सर, होना टाइम होने पे जस्ट नाउ लास्ट मॉडिफाइड जो मैंने डिस्कस किया उसकी समझ नहीं आई। अच्छा ये बताएं कि 25, 24, 59, 79 इन मॉडिफायर्स की समझ आई है आप लोगों को? आप लोगों में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्या इशू। सर लास्ट वन को रिपीट कर दें। लास्ट वन TCN 26 राइट सर? QW सर, आफ्टर टी। यस सर, काम गया वो। QW मॉडिफायर जो है ये क्लिया वेव टेस्ट्स के लिए यूज किया जाता है। क्लिया वेव टेस्ट से मुराद ऐसे टेस्ट्स होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट्स, जिनके लिए क्लिया नंबर की जरूरत नहीं होती। और क्लिया नंबर क्या है ये भी मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो CMS असाइन करता है तमाम लेबोरेटरीज को। ऐसी तमाम लेबोरेटरीज जो टेस्ट परफॉर्म कर रही होती हैं उनकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर असाइन किया जाता है उनको, जिसको हम क्लिया नंबर कहते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि ताकि जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मेजर किया जाए कि जो वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो, यानी उनकी क्वालिटी जो है टेस्ट की वो बेहतर बनाने के लिए। तो किसी भी लेबोरेटरी को टेस्ट की सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए क्लिया नंबर असाइन करना जरूरी है। ऐसी तमाम लेबोरेटरी जिनको क्लिया नंबर असाइन होता है वो टेस्ट परफॉर्म कर सकती, और जिनको असाइन नहीं होता वो टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे माइनर टेस्ट होते हैं जिनके लिए क्लिया नंबर की जरूरत नहीं होती। वो ऐसे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स के अंदर भी कर लेते हैं, छोटे मोटे टेस्ट। तो उनके लिए जो है वो डॉक्टर्स को क्लिया वेवर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे तमाम टेस्ट जिनके लिए क्लिया की जरूरत नहीं होती वो डॉक्टर्स वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उन टेस्ट की पेमेंट लेने के लिए CPT कोड्स के साथ डॉक्टर QW का मॉडिफायर सबमिट करता है इंश्योरेंस कंपनी को। QW का मॉडिफायर इंश्योरेंस को ये एक्सप्लेन करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो टेस्ट है ये क्लिया वेव्ड है, यानी इसके लिए क्लिया नंबर की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है जी? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट भी आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन डिनायल्स को दोबारा से। उस दिन मेरे ख्याल से ठीक से डिस्कस नहीं हो पाए थे, थोड़ा सा डिटेल में हम चीजों को डिस्कस करेंगे आज। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, जब स्क्रीन शो हुई तो बताइए। सर हो गई है। ओके, कॉमन डिनायल्स एंड देयर सॉल्यूशन। डिनायल्स बेसिकली क्या होते हैं? व्हेन इंश्योरेंस रिफ्यूजेस टू पे एनी क्लेम विद अ स्पेसिफिक रीजन एंड दे डिमांड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज मॉडिफायर, EOB, etc. to pay the claim, these refuses
or denial reasons are called denials. मैंने आपको यह बताया था कि जब आप क्लेम्स को सबमिट करते हैं तो सबमिशन से पहले हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि हम ईच एंड एवरीथिंग को डबल चेक कर लें, वेरीफाई कर लें. अगर हमारी तरफ से एक मिनट सर जी आवाज नहीं आ रही. सर ने कहा है वेट. जी तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि डिनायल जो होते हैं वो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से आते हैं. डिनायल क्या है? इंश्योरेंस रिफ्यूज कर देती है हमारे क्लेम को पे करने से किसी भी रीजन से. तो हमने डिस्कस किया था कि सबमिशन के प्रोसेस में जब भी हम क्लेम्स को सबमिट करते हैं तो उससे पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्लेम की हर चीज को डबल चेक करें, उसको वेरीफाई करें और उसके बाद हम क्लेम्स की सबमिशन करें ताकि क्लीन क्लेम जो है वो इंश्योरेंसेस को जाएं और हमारे क्लेम्स की जो डिनाइल रेशियो है वो कम हो. तो कुछ कॉमन डिनाइल्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट वन है कवरेज टर्मिनेटेड. वी रिसीव दिस डिनाइल व्हेन पेशेंट्स इंश्योरेंस कवरेज हैज क्रॉस्ड द एक्सपायरी लिमिट. जब पेशेंट की जो कवरेज है, इंश्योरेंस जो है, उसकी कवरेज एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में हमें ये डिनाइल रिसीव होता है, कवरेज टर्मिनेटेड. यहाँ पे एक एग्जांपल भी डिस्कस हुई है. पेशेंट परचेजेस द एटमा इंश्योरेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 1st 2011 एंड वैलिड टू दिसंबर 30 2011. वी सबमिटेड द क्लेम आफ्टर कवरेज डेट दिसंबर 30 2011 व्हिच मींस दैट इंश्योरेंस कवरेज इज टर्मिनेटेड नॉट एक्टिव फॉर दिस पेशेंट अगेंस्ट करंट डेट ऑफ सर्विस. एक सिंपल सी चीज है, जब भी कोई पेशेंट कोई भी इंश्योरेंस परचेज करता है तो उस इंश्योरेंस का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है. वो 3 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है कि पेशेंट की जो इंश्योरेंस है वो इस डेट से इस डेट तक एक्टिव होगी. अब फर्ज कर लेते हैं कि पेशेंट ने एक इंश्योरेंस प्लान लिया है जो जुलाई 1st से एक्टिव था दिसंबर 30 तक. अब जब हम पेशेंट का कोई ऐसा क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट करेंगे जिसकी डेट ऑफ सर्विस जुलाई 1st से पहले होगी और दिसंबर 30 के बाद की होगी तो वो क्लेम जो है इंश्योरेंस हमारा डिनाई कर देगी कि कवरेज टर्मिनेटेड. यानी इंश्योरेंस ये कहेगी कि इस डेट ऑफ सर्विस से पहले जो है वो पेशेंट की जो कवरेज थी, जो उसका प्लान था, वो टर्मिनेट हो चुका था. अब इस डिनाइल की सूरत में आपने करना क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? इन केस ऑफ रिसीविंग दिस डिनाइल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी, इज इट एक्टिव और इनएक्टिव. आपने सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि जिस इंश्योरेंस को आपने वो क्लेम सबमिट किया था आपने उस इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना होता है. एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने से मुराद ये है कि आपने ये चेक करना होता है कि क्या पेशेंट उस इंश्योरेंस के साथ उस डेट को एक्टिव था या नहीं था. अब दो सिनेरियोज हैं, या तो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा. अगर पेशेंट एक्टिव है, इफ द पेशेंट इज एक्टिव, वेरीफाई दैट क्लेम वॉज क्रिएटेड फॉर द करेक्ट पेशेंट फॉर अनदर पेशेंट्स अकाउंट. इन दिस केस क्लेम शुड बी रीएंटर्ड फॉर करेक्ट पेशेंट and submitted to the insurance. If insurance wrongly denied the coverage terminated, insurance company should be called with a request for reprocess. अगर patient की insurance की eligibility आपने check की है और आपने देखा है कि insurance उस date को active आ रही है तो आपने double check ये करना है कि क्या इस patient की जो insurance या patient वही है जिसका claim हमें receive हुआ है. आई मीन के पेशेंट की कोई नाम में प्रॉब्लम हो या कोई गलत अकाउंट में आपने क्लेम क्रिएट कर दिया हो या कुछ भी इस तरह का इशू. पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद अगर आपको वो भी ठीक लग रहा है कि ये पेशेंट भी वही है, इसकी इंश्योरेंस भी यही है, डेट ऑफ सर्विस को एक्टिव भी है, तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने इंश्योरेंस को कॉल करनी होती है और उनके लिए उनको ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारे क्लेम को रिप्रोसेस करें क्योंकि इंश्योरेंस समटाइम्स रॉन्गली डिनाई कर देती है आपका क्लेम. अगर पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव नहीं है, जब आपने एलिजिबिलिटी वेरीफाई की और आपने ये देखा कि पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव नहीं थी उस डेट ऑफ सर्विस पे,
तो आपने ये करना है कि उस क्लेम को पेशेंट को बिल कर देना। पहला ऑप्शन तो ये है पेशेंट को बिल करने से पहले कि आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, मे बी आपके पास उसकी कोई एक्टिव इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन मौजूद, यानी आपने गलत इंश्योरेंस ना अपडेट कर दी हो या कोई भी और इशू जो हमारे एंड पे ना। अगर आपके पास पेशेंट की कोई इंश्योरेंस भी नहीं है जो एक्टिव हो उस डेट को, तो इस केस में फिर आप क्लेम जो है वो पेशेंट को बिल कर देंगे, यानी इस अमाउंट के लिए पेशेंट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट जो डिनाइल है वो है नॉट डीम्ड एज मेडिकल नेसेसिटी। दिस डिनाइल इज रिसीव्ड व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी हैज डाउट्स अबाउट द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री और करंट कंडीशन। इन दिस केस दे नीड मोर इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस द क्लेम। ये जो डिनाइल स्टेटमेंट है नॉट डीम्ड एज मेडिकल नेसेसिटी, ये आपको उस केस में रिसीव होता है जब इंश्योरेंस को ये डाउट होता है कि पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो इसके ICD कोड्स और CPT कोड्स के साथ मैच नहीं कर रही, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि इंश्योरेंस को उस क्लेम को प्रोसेस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। आपने ये करना है कि इस डिनाइल के केस में सबसे पहले आपने पेशेंट के क्लेम के ऊपर जो आपने डायग्नोसिस कोड्स और CPT कोड्स की इंफॉर्मेशन बिल की है आपने उनको वेरीफाई करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी एंट्री के दौरान CPT कोड या ICD कोड की इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्गली एंटर हो जाती है और ये डिनाइल रिसीव होता है। उसके बाद वेरीफाई द सूटेबल मॉडिफायर। आपने ये करना है कि अगर क्लेम के ऊपर कोई मॉडिफायर लगा हुआ है तो आपने उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये मॉडिफायर मैंने ठीक बिल किया हुआ है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। देन सबमिट द क्लेम विद अप्रूवल ऑफ प्रोवाइडर विद मॉडिफायर। अगर क्लेम के ऊपर मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है या उस क्लेम के लिए मॉडिफायर की जरूरत है तो फिर आप ये करेंगे कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये क्लेम इस रीजन से डिनाई है और इसके साथ ये मॉडिफायर जाना चाहिए था। जब प्रोवाइडर आपको अप्रूव कर देगा तो आपने वो मॉडिफायर लगाना है और उस क्लेम को रिसबमिट कर देना। अगर ICDs या CPT कोड में कुछ एरर है तो आपने उनको करेक्ट करना है और क्लेम को रिसबमिट कर देना। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर इस केस में मोस्टली होता है कि इंश्योरेंस को मेडिकल नोट्स की जरूरत होती है, पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपने ये करना है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो इंश्योरेंस को क्लेम के साथ बिल कर दें। नेक्स्ट जो डिनाइल है वो है बेनिफिट एग्जॉस्टेड। बेनिफिट एग्जॉस्टेड से मुराद ये है कि पेशेंट की पॉलिसी में जो बेनिफिट्स थे वो खत्म हो चुके हैं या एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्लेम इज डिनाइड एज बेनिफिट एग्जॉस्टेड व्हेन द मैक्सिमम लिमिट ऑन अवेलेबल पेशेंट बेनिफिट्स हैज बीन रीच्ड एंड इंश्योरेंस रिफ्यूसेस टू मेक फर्दर पे टू द प्रोवाइडर। फर्ज कर लेते हैं एक पेशेंट है, ए परचेजेस इन एटना इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस विल पे $5,000 ड्यूरिंग इट्स कवरेज पीरियड। फर्ज कर लेते हैं कि एक पेशेंट ने एक इंश्योरेंस परचेज किया एटना और उसके साथ उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये एक साल के लिए एक्टिव होगी और इस एक साल के अंदर हम आपको $5,000 की सर्विसेज पे करेंगे। इट मींस कि उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो कितने हैं, $5,000। अब जब पेशेंट अपने पीरियड से पहले यानी कवरेज टर्मिनेट होने से पहले पहले ही वो $5,000 की सर्विसेज ले लेता है, इंश्योरेंस उसको पे कर देती है, तो उसके बाद जो भी क्लेम आप पेशेंट का उस इंश्योरेंस को बिल करेंगे वो उसके क्लेम्स को डिनाई करेगी बेनिफिट्स एग्जॉस्टेड। यानी पेशेंट के जितने भी बेनिफिट्स हमारे प्लान में थे हमने उनको ऑलरेडी पे कर दिया है, अब पेशेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म हो चुके। क्लेम इज डिनाइड एज बेनिफिट एग्जॉस्टेड व्हेन द मैक्सिमम लिमिट ऑन अवेलेबल पेशेंट बेनिफिट्स हैज बीन रीच्ड। इन दिस केस फर्स्ट कन्फर्म फ्रॉम द प्रोवाइडर एंड देन बिल द पेशेंट यूजिंग रीजन कोड 1। अच्छा, आपने ये करना है कि इस केस में जब पेशेंट के बेनिफिट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल जो है वो पेशेंट ही होगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार अगर पेशेंट के बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपने पेशेंट को बिल नहीं करना बल्कि अमाउंट को एडजस्ट कर देना है या सेटल कर देना है। तो आपने प्रोवाइडर से कंफर्म करना है और उसके बाद आपने डायरेक्टली जो है ये क्लेम पेशेंट को बिल कर देना। नेक्स्ट जो डिनाइल है वो है कवर्ड अंडर ग्लोबल पीरियड। आफ्टर सर्जरी देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली 90 days दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन विच इंश्योरेंस डज नॉट पे फॉर द ENM सर्विसेज गिवन टू द पेशेंट।
ये मैंने कुछ देर पहले 24 मॉडिफायर डिस्कस करते हुए भी आपको बताया है कि सर्जरी के बाद यूजुअली 90 डेज का पीरियड होता है जिसमें इंश्योरेंस जो है वो ईएनएम सर्विसेज को पे नहीं करती। इसको हम ग्लोबल पीरियड या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कहते हैं। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज द पेमेंट मेड फॉर द सर्जरी बाय द इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूड्स द पेमेंट फॉर फॉलो अप विजिट्स ऑफ द पेशेंट। ये ऐसे ये इसलिए होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी की पेशेंट पेमेंट इंश्योरेंस इतनी कर देती है कि उस पेशेंट के जो भी फॉलो अप विजिट्स होते हैं वो भी उसी पेमेंट के अंदर कवर हो जाते हैं। तो इस ग्लोबल पीरियड के अंदर जब आप कोई क्लेम सबमिट करेंगे इंश्योरेंस को ईएनएम सर्विसेज के साथ, तो इंश्योरेंस आपका वो क्लेम डिनाई कर देगी कवर्ड अंडर ग्लोबल पीरियड। अगर तो सर्विसेज जो हैं वो ग्लोबल पीरियड के रिलेटेड थी, सॉरी सर्जरी के रिलेटेड थी, तो फिर इस केस में आपने ये करना है कि वो क्लेम आपने एडजस्ट कर देना है। जाहिर सी बात है वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर सर्विसेज जो है डॉक्टर कहता है कि ये अलग से ही इनका सर्जरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उस केस में आप 24 का मॉडिफायर यूज कर सकते हैं ईएनएम कोड्स के साथ। आल्सो डायग्नोसिस कोड शुड बी चेक्ड, डीएक्स कोड्स डिफरेंट फ्रॉम क्लेम और सर्जरी शुड बी इंटर्ड एंड क्लेम शुड बी रिसबमिटेड टू द इंश्योरेंस। डायग्नोसिस कोड से आपको पता चल जाता है कि ये सर्जरी के रिलेटेड डायग्नोसिस कोड है या किसका डायग्नोसिस कोड है। तो अगर डायग्नोसिस कोड जो है वो सर्जरी के रिलेटेड है तो प्रोवाइडर समटाइम्स आपको ये कहता है कि आप डायग्नोसिस कोड को चेंज कर दें, सर्जरी से अनरिलेटेड डायग्नोसिस को बिल करें और क्लेम को रिसबमिट करें। तो ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, और 24 मॉडिफायर के साथ आप क्लेम को रिसबमिट करते हैं। नेक्स्ट जो डिनाइल है वो है लेट फाइलिंग। फाइलिंग टाइम इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस विद इन द क्लेम व्हिच विद इन व्हिच क्लेम कैन बी सबमिटेड और फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। उस दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक टाइम फ्रेम होता है जिसके दौरान वो क्लेम्स को रिसीव करती है और पे करती है। यानी कुछ इंश्योरेंसेज ऐसी होती हैं जिनका जो टाइमली फाइलिंग लिमिट होती है वो 90 डेज होती है, कुछ की 120 डेज होती है, कुछ की 1 ईयर होती है। तो ये इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस वेरी करती है ये चीज़। जब भी आप कोई क्लेम इंश्योरेंस को ऐसा फाइल करेंगे जो उसकी टाइमली फाइलिंग लिमिट के बाद सबमिट होगा, तो इस क्लेम को जो है वो इंश्योरेंस डिनाई कर देगी लेट फाइलिंग से। लेट फाइलिंग से मुराद ये है कि इंश्योरेंस आपको ये कह रही है कि हमारा जो टाइमली फाइलिंग पीरियड था, जिस पीरियड के दौरान आपको क्लेम सबमिट करना चाहिए था, आपने उस पीरियड के दौरान क्लेम सबमिट नहीं किया बल्कि उसके बाद किया है, तो दैट्स वाई क्लेम डिनाइड। इस केस में दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो ये है कि आपने क्लेम टाइमली सबमिट किया था, इंश्योरेंस ने रॉन्ग डिनाई किया है, और एक ये है कि इंश्योरेंस ने करेक्टली डिनाई किया। अगर इंश्योरेंस ने वाकई ठीक डिनाई किया, यानी आपका क्लेम जो है वो टाइमली फाइलिंग लिमिट के बाद आपने सबमिट किया है, तो इसमें एक ये होता है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं टाइमली फाइलिंग इंडिकेटर्स, वो सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, आप उसके साथ क्लेम को रिसबमिट कर सकते हैं एज ए ट्राई कि अगर इंश्योरेंस पे कर दे। लेकिन अगर इंश्योरेंस ने क्लेम रॉन्गली डिनाई किया है तो आपने उस पर अपील करना होती है इंश्योरेंस को सबमिशन प्रूफ के साथ। जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर से क्लेम कोई सबमिट करते हैं तो उसकी सबमिशन हिस्ट्री हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, उसका एक पूरा प्रूफ होता है, पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि इस डेट पे जो है वो क्लेम सबमिट हुआ है। तो आप वो प्रूफ जो है वो एज ए जो सबमिशन की हिस्ट्री आप उसको एज ए प्रूफ कंसिडर करेंगे, उसको यूज करके आप इंश्योरेंस को अपील फाइल करेंगे कि आपने हमारा ये क्लेम जो है वो रॉन्गली डिनाई किया है, इसको पे होना चाहिए। इसके बाद जो डिनाइल है वो है नॉन कवर्ड बेनिफिट्स। इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, जो सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं वो डॉक्टर के अंडर कवर नहीं हो रही हैं, या फिर जो सर्विसेज परफॉर्म हुई हैं वो पेशेंट के प्लान के अंदर कवर नहीं हो रही। तो अगर ऐसी सर्विसेज हैं जो डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके अंडर कवर नहीं हो रही हैं, तो उस केस में क्लेम को हम एडजस्ट कर देते हैं, और अगर पेशेंट के प्लान में कवर नहीं हो रही हैं तो हम इसका बिल पेशेंट को कर देते हैं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो पेशेंट होगा। तो ये कुछ कॉमन डिनाइल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर क्लियर है? ओके जी, सबको क्लियर है ये डिनाइल्स और मॉडिफाइज? यस सर। जी सर क्लियर। ठीक है।
यहाँ पे बहुत सारे नाम शो हो रहे हैं, आप में से कोई भी डिस्कस कर दे 25 मॉडिफायर के हवाले से, क्या होता है, कब यूज होता है, क्या पर्पस होता है उसका, कोई बताएगा? मुझे भी कुछ पता चले यार, आप उनको कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है, मतलब हम मॉडिफायर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मॉडिफायर बेसिकली जो आप सीपीटी कोड्स यूज करते हैं उनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। यानी फर्ज करें आप सर, ये जो कोड्स हैं, जी सर, जो कोड्स हैं, कोड्स जो उनसे वो मतलब उस कोड के पीछे कोई ना कोई बीमारी है, मतलब या मतलब कोई टेस्ट है, मतलब किस चीज को कोड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? कौन से कोड की बात करें आप, आईसीडी कोड या सीपीटी? डिफरेंट सर, जो सीपीटी कोड्स हैं या न्यूमेरिकल कोड्स हैं सर, ये जैसे 25 है, ये तो आपने डिनाइल में बताए। मॉडिफायर में जो जो चीजें आती हैं वो कोडिंग है, आपने बताया था कोड्स हैं। कोड्स मतलब उसके पीछे, मतलब जिस तरह कोई एक चीज है, जिस तरह सर्जरी के लिए 24 यूज हो रहा है, देखें बेसिकली जो मतलब मेरा ये पॉइंट नहीं था क्लियर हो रहा कि ये कोड जो मतलब कोड न्यूमेरिकल है या सीपीटी है, ये बेसिकली यूज क्यों हो रहे हैं? ओके, असल में डॉक्टर जो भी सर्विसेज देते हैं ना पेशेंट्स को, या पेशेंट्स को जो भी डिजीज होती है, तो जाहिर सी बात है जब हम क्लेम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं या क्लेम इंश्योरेंस कंपनीज को भेजते हैं, तो हम उनको कोई नोट्स लिख के नहीं भेजते, या उनको ये नहीं बताते कि भाई पेशेंट को ये बीमारी है, नाम लिख के हम नहीं भेजते। बल्कि यूएस के अंदर हर डिजीज के लिए और हर सर्विस के लिए, जो भी सर्विस डॉक्टर पेशेंट को देता है, उसके लिए कोड्स यूज होते हैं। जो सर्विसेज के लिए कोड यूज होते हैं उनको हम सीपीटी कोड्स कहते हैं, या करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी सीपीटी कोड्स। तो उन कोड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम उनके साथ मॉडिफायर लगाते हैं। सीपीटी कोड जो है वो 5 डिजिट्स के होते हैं और मॉडिफायर जो है वो 2 डिजिट्स के होते हैं। ओके सर जी, सर ओके, गॉट योर पॉइंट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने डिनाइल में बताया कि ये जो एक पॉइंट है, टाइमली फाइलिंग लिमिट डेट,